हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। ये वीडियो पंजाबी च होएगी ते टॉपिक है पीटी रीडिंग। कई इदा स्टूडेंट्स ने जिन्हें रिक्वायरमेंट बिल्कुल घट होंगी है, जिदा कि 50 एज 58 ओवरऑल, बट उन्होंने प्रॉब्लम आ रही है पीटी रीडिंग दे वेच। कि असी पीटी रीडिंग दे जड़े मॉड्यूल्स है रीओर्डर पैराग्राफ या दो तरह के फिल दा ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, इनू जे छड़ दईए तां वी आपां 50 एज लै सकदे हैं या नहीं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते पए ने, क्योंकि रीडिंग अक्सर बहुत मुश्किल लगती स्टूडेंट्स को। पूरी वीडियो एंड तक देखना ताकि तुहानू पता लगे कि एक्चुअली दे विच कि ये काम करता वा या नहीं करता। सब तो पहले आपां गल करांगे पीटी रीडिंग दे मॉड्यूल दे बारे। पीटी रीडिंग दे विच साडे को 5 सब सैक्शन होंदे ने, जिदे विचों मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, रीऑर्डर पैराग्राफ्स, फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग ते राइटिंग वाले। ओके, हुण असी पहला इनू कैलकुलेट करके देखते हैं कि सानू किन्ने स्कोर मिलणगे जे आपां इह सारे मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं। मैं मान के चलदा वां रीऑर्डर पैराग्राफ दे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स दे 4 तो 5, रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स दे 4 तो 5। हुण रीओडा पैराग्राफ दे विच असी अज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि ये अजम्पशन है, 2-3 नंबर उपर नीचे हो सकता, ज़्यादा फर्क नहीं पै सकता अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। अगर 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चनों के 1 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आते हैं, तो 4-1 एक रूल हैगा कि जिन्हें नंबर ऑफ ऑप्शन आन और माइनस 1 कर दो तो वह मार्क्स आ जाएंगे रीओडा पैराग्राफ्स के। जिदा कि ये अंदर 4 ऑप्शन आए 1 क्वेश्चन के अंदर, तो 1 क्वेश्चन किन्ने नंबर का हो गया, 3 नंबर का हो गया, तो असी कर सकते हैं जे 2 नंबर आए, 2 क्वेश्चन आए तो 6 मार्क्स का हो गया। इस तो इलावा रीओर्डर पैरा फिलिंग द ब्लैंक्स 4 तो 5 क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली 5 क्वेश्चन मान के चलते हैं, तो एवरेजली कई बार 3 भी आ जाते, कई बार 5 ब्लैंक भी आ जाते, असी एवरेजली 4 क्वेश्चन ऑप्शन 1 क्वेश्चन 4 ऑप्शन मन के चलते हैं। मतलब जब 5 क्वेश्चन आए तो 4 ऑप्शन आ गए तो 20 आ गया, इदा ही इसके अंदर भी 20 आ गया। सो अपा इस तो इलावा मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर 2 या 3 आते होंगे, ये भी 2 या 3 आते होंगे, या 1 और 2 आते होंगे, एवरेजली देखा जाए तो 2 ही आते होंगे। तो जे अपना दोनों का 2 नंबर भी मान के चलीए कि ये भी 2 नंबर आएंगे, ये भी 2 नंबर आएंगे, तो साडा तुसीं देख सकते हो 40-46 हो गया, तो 1 नंबर का क्वेश्चन होएगा, 2 क्वेश्चन मतलब मान के चल रहे हैं कि आपां अज्यूम कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज हमारा साडा कितना हो गया, टोटल 50 हो गया। मतलब 50 नंबर दे तुहाडे अप्रोक्सीमेटली जिहड़े हो गए वह सिर्फ रीडिंग ही हो गई, बाकी जिहड़े 40 मार्क्स ने वह किद्दां लै सकते हैं। हुण तुसीं खुद समझदार हो, अगर तुहाडा 50 दा टारगेट होएगा तो तुहानूं 50 विच्चों मैं कहिंदा 25 भी आ जाण, तो बाकी 25 तुसीं बाकी सैक्शनों तो लै सकते हो 40 चों। ये अज्यूम कर रहे हैं, ए वाले क्वेश्चन वध भी सकते घट भी सकते हैं, बट ए वाले तुसीं देखो कि अपने 46 मार्क्स तो इहदे विच हैगा ही हैगे आ, मिनिमम जो इंपॉर्टेंट है। कई बार आपां बच्चों को कह देंगे कि इन्हां नूं ना भी करो, तुक्का भी ला दो, असीं मन के चलते हैं। सो 4 नंबर के बजाय इत्थे तुसीं घटा भी सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, इट डिपेंड करता किन्ने नंबर ऑफ क्वेश्चन आन। ओके, हुण इस तो इलावा होर कि सबसैक्शन हो सकते हैं वो आपां इत्थे डिस्कस करते हैं। एक आ गया साडा रीड अलाउड, जिहड़ा कि स्पीकिंग का सैक्शन है, दूजा हाईलाइट इनकरैक्ट वर्ड, तीजा आ गया हाईलाइट करैक्ट समरी, जिन्हां विचों हाईलाइट करैक्ट समरी अनइंपॉर्टेंट है, फिलिंग द ब्लैंक्स सॉरी हाईलाइट इनकरैक्ट वर्ड इंपॉर्टेंट, तो रीड अलाउड भी इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट करैक्ट समरी के मान लो 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, मैं मान के चलना कि यह 2 नंबर का, ठीक है। हाईलाइट इनकरैक्ट वर्ड के भी 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 1 क्वेश्चन के जे अगर 4 ऑप्शन आते हैं गलत, तो टोटल कितना बन गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8 हो गए, ठीक है।
ते 8 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली जिन्हां विचों हाफ आपां मान के चलीए कि किन्ने आए राइटिंग रीडिंग चले गए। इस तो बाद जो बचे किन्ने 50 इत्थे हो गए 4 इत्थे हो गए 54। मैं इहदा नहीं मानदा पिया, मैं इहदे दो नंबर मानदा पिया अप्रोक्सीमेटली ला के चलो। चलो एग्जाम्पल के तौर के उपर किन्ने हो गए 56। तो आप हिसाब लवो अप्रोक्सीमेटली 24 तो 30 मार्क्स सिर्फ तो सिर्फ रीड अलाउड तो सानू रीडिंग जा रहे हैं। सो रीड अलाउड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द रीज़न ताडे रीडिंग चो स्कोर नहीं आ रहे, बच्चों नहीं पता लग रहा कि एक्चुअली दे विच प्रॉब्लम कित्थे हो रही है। सो तुहानू पता लग गया कि अगर तुहाडा टारगेट 50 ईच का वै या 58 का वै या कोई भी टारगेट हैगा वै, तुसी अपने टारगेट के अकॉर्डिंग इस जिहड़ा प्लान बनाया वा रीडिंग दे मॉड्यूल किद्दां कैलकुलेट हुंदे पे ने उहदे अकॉर्डिंग तुसीं अपनी तैयारी कर सकदे हो। कई बच्चे इदां रहे ने जिहड़े स्ट्रगल करदे पे ने, नहीं पता लग रहा, पूरी एक्चुअल पिक्चर में बनाती है ये अप्रोक्सीमेटली है स्कोर्स। मैं पहले ही दस दवा, जिद्दां मैं मन के चलना कि इत्थे 3 क्वेश्चन आ गए उहदे अकॉर्डिंग वध सकदे आ, इत्थे 1 भी क्वेश्चन नहीं आया उहदे अकॉर्डिंग घट सकदे आ। पर तुसीं आप अज्यूम करो, एक पिक्चर बना के देखो, 2-3 क्वेश्चन का ही फर्क पएगा, ज़्यादा तो पएगा नहीं। सो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग तुसी अपनी तैयारी कर सकते हो। स्नैपशॉट ले लो, स्नैपशॉट लैके ये अकॉर्डिंग तुसी पीटी रीडिंग की तैयारी करो। किद्दां दी लगी वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो। अगर कोई दिक्कत आती पई है, ये ना सोचो कि मेरा फ्रेंड के नंबर आ गए मेरे भी आ जाने, इदा का कोई इशू नहीं है। हर एक बच्चे की अपनी अपनी प्रॉब्लम होंगी है। ਆਪਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ, ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਕੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਐਂਡ ਕਾਲ ਅਸ ਨਾਓ ਫੋਰ ਕੋਚਿੰਗ।